डोली बहुत ही है सामने, मतलब उस साइड में कहीं है आवाज आ रही है। अभी यहाँ से आई है डोली घूम के पूरी इधर से, और थोड़ी देर में ना मतलब पूरा जो माहौल होगा ना काफी भीड़ होगी। साहब रात में क्या सीन हुआ, मतलब परसों रात में जब मैं जहाँ मैं यहाँ शादी में आया था ना, तो यहाँ पे क्या है ना मतलब पार्किंग थोड़ा दूर दूर होती है क्योंकि गांव में घर नीचे वगैरह होते हैं ना, इसलिए तो भाई मामा जी ने रोड साइड अपने को जगह दी दुकान के पास में, जिसका मेरा ड्राइविंग साइड जो है ना पूरा दुकान की तरफ है, और निकलने का और बैठने का एक ही रास्ता है पैसेंजर वाला, को पैसेंजर वाला। तो बस चलो ठीक है, अपने कम से कम लाइन से गाड़ी अंदर है, सेफ है। ये देखो भाई, ओहो हो, बाकी मुझे भाई दिखा चाय बांट रहा था, मैंने कहा भाई मेरे को चाय दे दो, बाकी तुम घर पे देते रहो आराम से, क्योंकि मैं जा रहा हूँ थोड़ा अपना आगे आनंद लेने और थोड़ा चाय का एंजॉय लेता हूँ सुबह सुबह, एटलीस्ट चाय तो नसीब हुई अपने को जाने से पहले। भाई उस साइड देखो ये वाले पहाड़ में पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, और सामने उधर देखो भाई साहब धूप निकल चुकी है। बाकी अपना वो सामने उखीमठ है, जिन्हें नहीं पता है मेरा ननियाल है, मैं उस साइड गया हूँ, पिछले व्लॉग मैंने डाले हैं उस साइड के, भाई काफ़ी एडवेंचरस रास्ते से मैं गया था, जो आपको नीचे विजिबल हो रहा है ना उस रास्ते गया था मैं, तो मैंने डाली ये वीडियो पर आपका आई बटन में शो हो रहा होगा। बाकी भाई आज जाना है दोबारा उधर, ले उसे गले में देख रहे हो भाई, इसका मुझे आइडिया तो नहीं जी क्या बोलते हैं, लेकिन ये ना यहाँ गांव में बाघ से टाइगर से मतलब बचने के लिए होता है, ताकि जब टाइगर पहले हमला करता है तो गले भी करता है, तो जो कांटे होते हैं इसमें तो वो उसकी चुप जाए और वो भाग जाए, मतलब कुछ ज्यादा आसानी ना हो इसे खत्म करने मारने में। इस टर्न के बाद जो व्यू आने वाला ना, एक नंबर व्यू भाई, वो चेक करो भाई साहब क्या ही सुंदर लग रहा है भाई, वो जो पर्वत है भाई चौखंबा बोलते हैं उसे, और वो चेक करो भाई, ओहो हो, सुबह सुबह भाई दिल खुश कर दिया इस पहाड़ ने भाई कसम से। तो देखो यार, ये मैं नहीं कह सकता कि मैंने प्रॉपर सनराइज़ के मज़े लिए हैं, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जब सन इतना सा था ना पहाड़ के ऊपर आने के लिए, उस टाइम मैंने प्रॉपर देखा है भाई, और आप देख ही रहोगे क्या ही मस्त भाई सुबह सुबह ना इस ठंडे इलाके में सूरज की किरणें पड़ रही है, वो चेक करो भाई। अभी अभी जस्ट वो उगी रहा है इस पहाड़ के ऊपर, मतलब सनराइज़ तो काफ़ी पहले हो चुका था, लेकिन बीच में होता ना पहाड़ों में, मतलब पहाड़ आते हैं तो जहाँ कहीं कहीं सूरज 12 बजे आता है, कहीं 9 बजे आता है, कहीं 1 बजे भी आता है भाई, ऐसी सी जगह भी होती है। बाकी भाई यहाँ से चौखंबा चेक करो, क्या नाम जरा, डब्बू, पहाड़ी में मोस्टली लोग डब्बू रखते हैं नाम भाई, कैच करना आता है, कैच कैच कैच, अरे 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 सॉरी, ये ले खा ले यार, नखरे इतने सारे, इतने नखरे
गलत बात है, देख बंदर देख रहा है वहां ऊपर से। अरे वेरी गुड वेरी गुड, ये ले खाली। कुत्ते इतने वफादार होते हैं ना, मैंने से दो बिस्किट दिए और देखो यहीं बैठ गया मेरे पास। अपनी कार चेक करो, क्या ही गंदी हो रही है भाई, बहुत ज्यादा मैसी लुक हो रखा है। अंदर से भी ऐसी है, धूल मिट्टी नहीं है लेकिन भाई साहब सीन है ना। ये चेक करो, बहुत ही ज्यादा गंदी। सारा सामान मेरा कार के अंदर ही है, शर्ट वगैरह कोट वगैरह। बाकी ये देखो भाई, रात में मैंने फॉर्मल शूज ही पहने थे तो मैंने मॉर्निंग में भी ये पहने, क्योंकि रात में मैं इसे ही लेके गया था अपने रूम पे। और बाकी जो मेरे वाले शूज हैं इनको मैं गाड़ी में छोड़ के गया था, क्योंकि मैंने कल रात में चेंज अपना कार में ही करा था। तो जी नाश्ता रेडी है और ख़त्म भी हो चुका है। देखो भटूरा का एक पीस बचा हुआ है, बाकी छोले इधर है और भटूरे वहाँ से मिल जाएंगे अभी, लेकिन भाई ये पूरा खाली हो चुका है। एक लास्ट मैं ही था यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं गया था थोड़ा यहाँ से 5 किलोमीटर आगे थोड़ा घूमने वूमने, तो इतने में सब लोगों ने नाश्ता कर दिया। मैं अब नाश्ता कर रहा हूँ, बाकी जिस शादी में आया था ना वहाँ पे गोदान हो रहा है। गोदान क्या होता है ना, एक रिवाज होता है पहाड़ियों में, शादी के बाद विदाई के टाइम पे करते हैं गोदान। अभी दिन के बज रहे हैं 3 और अभी ना मैं उस जगह से जहाँ शादी थी वहाँ से कम 4-5 किलोमीटर आगे आया हूँ। तो आपको मैं एक चीज़ से बताना भूल ही गया, तो मैं आया था मम्मी लोगों के मामा जी के यहाँ और साथ में मम्मी है, मौसी है, नानी सब लोग हैं। तो आज हम लोग ना यहीं पे स्टे करने वाले हैं और रास्ता भाई यहाँ का इतना सुंदर है ना, बीच में चलने का रास्ता है, अगल बगल खेती है तो पूरे फैला हुआ है, बहुत ही मस्त लग रहा है एक नंबर। और सामने उस साइड ना चौखंबा वाला पहाड़ है पूरा का पूरा भाई साहब। अभी धूप ना ऊपर ऊपर है, बाकी जिस जगह में हम हैं तो वहाँ तो पूरी धूप जा चुकी है, तो ठंडा होने वाला है भाई, बहुत ही तगड़ा वाला। अब तो जी कैसे हैं आप लोग, गुड मॉर्निंग एक और नए दिन के साथ। कल रात में अच्छे से विजिबल हो भी नहीं पा रहा था, तो आपको क्यों ना भाई उजाले में अच्छे से दिखाया जाए। कल रात हम लोगों ने वहाँ अपनी कार खड़ी करी, मतलब वहाँ पे रोड है और उस जगह से इस जगह आए रात में भाई। आज बाबा जी की डोली इस साइड आएगी तो जरूर दर्शन होंगे आपके और हमारे दोनों के दर्शन होंगे। चलो भाई डोली पहुँच गई है सामने, मतलब उस साइड में कहीं है, आवाज़ आ रही है बहुत तेज ढोल ढोलों की। लाओ तो मेरी वाला, मेरे बनाई बहुत प्यार से माला दो।